हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बैक का टॉप पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस का, आर्म होल भी मैं लूँगी 5 इंचेस। तो 5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सीविंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। और इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे हमें राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे नेक की ब्रॉडनेस में ले रही हूँ 3 इंचेस और लेंथ में ले रही हूँ 2 इंचेस। ये है हमारा बैक का नेक। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ करनी है। ये देखिए, हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमारा बैक का पार्ट हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट का पार्ट कट करने के लिए हमें इसे फैब्रिक को 2 फोल्ड में लिया हुआ है और जो हमने ऑलरेडी कट किया था उसे हम, जो हमारा नेक लाइन है उसको हम इस तरह से 1 इंच अंदर से रखेंगे और हमें बस इसे एज इट इज़ मार्क कर लेना है। ये देखिए, ये जो हमारी नेक लाइन है यहाँ से हमने 1 इंच अंदर से रखा है फैब्रिक को और बस मैंने एज इट इज़ मार्क कर लिया है। अब मैं इसे हटा दूँगी। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें 4 इंचेस डाउन पे हमें मार्क करनी है और यहाँ से यहाँ तक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसे यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे थोड़ा हल्का सा, ऊपर से स्ट्रेट और नीचे हम हल्की सी गोलाई देंगे और यहाँ से हम नीचे कट लगाएंगे। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट कट लगानी है और यहाँ से हमें इस शेप को कट कर लेना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट और इसी को हमने उल्टा रखते हुए बेस फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब मैंने इस तरह का रेक्टेंगल पीस कट किया हुआ है जिसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है 8 इंचेस और लेंथ मैंने ली है 5.5 इंचेस। तो इस तरह का रेक्टेंगल पीस मैंने कट किया है जिसे हम इसके ऊपर ओवरलेप करेंगे। इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। अभी मैंने कॉन्ट्रास्ट में एक फैब्रिक लिया हुआ है, लेफ्ट ओवर कोई भी फैब्रिक आप यूज़ कर सकती हैं। उसके ऊपर हमने जो फ्रंट का पार्ट, टॉप का पार्ट कट किया था बैक का, उसे हम उल्टा रख के एज इट इज़ कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने एज इट इज़ कट कर लिया है। उसी तरह से जो हमने रेक्टेंगल पीस कट किया था उसे भी हमने बेस फैब्रिक में कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक ले लिया है। अब बॉटम के लिए हमने 2 और रेक्टेंगल पीस कट किए हैं जिसकी लेंथ मैंने ली है 16 इंचेस और ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 27 इंचेस। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास बॉटम पार्ट के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने कट किया था, ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर जो मेन फैब्रिक है उसे हमने उल्टा रखना है और ये हमारा नेक पार्ट और हमारे आर्म होल में हम सिलाई लगाएंगे। उसी तरह से ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को हमें उल्टा रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। उसी तरह से सभी पार्ट्स को हमने अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल और ये हमारी नेक लाइन, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। सिर्फ हमें ये जो हमारा फिटिंग और नीचे का हिस्सा हमें छोड़ देना है और नेक लाइन और हमारे आर्म होल में हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पे भी हमने सिलाई लगाई है यहाँ पे हमें नॉचेस लगाने हैं, तो हल्के हाथों से हम नॉचेस लगाएंगे।
और ये जो हमारा रेक्टेंगल पीस है यहाँ पे हमने इस तरह से गोलाई में सिलाई लगाई हुई है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो स्ट्रेट भी सिलाई लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दिया हुआ है और मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमें यहाँ पे नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। यहाँ से हमें इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लेना है। इसी तरह से हमें सभी पार्ट्स को राइट साइड पे टर्न कर लेना है। ये देखिए हमने सभी पार्ट्स को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अभी हमारा फ्रंट का पार्ट है तो इसे हमें इस तरह से अरेंज करना है। इसके ऊपर हम ये जो हमने रेक्टेंगल पीस बनाया है उसे हम रखेंगे, और यहाँ पे हमारी जो चेस्ट की ब्रॉडनेस थी वो है 16 इंचीज, तो इसे हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देना है। उसके बाद हमने ये जो कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक से हमने एक स्ट्रिप कट की हुई है जिसे 2 फोल्ड करना है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरीके से रख के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर बैक का पार्ट हमें उल्टा रखना है, और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। ये देखिए हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो यह हमारा बॉटम का पार्ट, ये जो हमारी पूरी ब्रॉडनेस है यहाँ पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब एक धागे को यहाँ से हमें अलग करना है और इस तरह से खींचते जाना है हल्के हाथों से, तो हमारी गैदरिंग बनती जाएगी। इसी तरह से हमें पूरी ब्रॉडनेस में गैदरिंग तैयार करनी है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी गैदरिंग तैयार करनी है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना दी है, और ये हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर टॉप का पार्ट हमें उल्टा रखना है इस तरह से, और यहाँ पे हमें पूरी ब्रॉडनेस में सिलाई लगानी है। उसी तरह से ये जो पार्ट है उसके साथ हम इस पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है, और बैक साइड पे भी हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। तो इसे अच्छे से टर्न कर लेना है, दोनों पार्ट्स को मैच करना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगानी है नीचे तक। इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा के इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे, तो इसे हमें रॉन्ग साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। तो इस पूरी ब्रॉडनेस में हमें डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है। और यहाँ पे इस तरह से ये पार्ट हमारा ओपन रहेगा, तो यहाँ पे हमें बटन्स लगाने हैं इस तरफ और इस तरफ भी, और इसके ऊपर हमें आई बनानी है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट क्लोज हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे बटन्स आ जाएंगे, तो इसे आप ओपन और बंद इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने बटन्स को लगा दिया है, और इसी के साथ ही हमारा क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें,
और साथ ही में उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।